सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डैम डिलीशियस को और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैम डिलीशियस। और आज हम बनाएंगे स्ट्रीट्स एंड हक्का नूडल्स। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। नजर डालते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स पे जो हम इस नूडल्स को बनाने में यूज करने वाले हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं स्लाइस्ड अनियंस, स्लाइस्ड कैबेज, स्लाइस्ड कैप्सिकम्स, स्लाइस्ड कैरेट, बॉइल्ड नूडल, क्रश्ड गार्लिक, जिंजर, ग्रीन अनियन लीव्स फॉर द गार्निशिंग। 3 टाइप्स ऑफ सॉस आई एम यूजिंग हियर: सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सॉल्ट, पेपर पाउडर एंड ऑयल। सो हम हमारी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक पैन को हीट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम हमारी सब्जियों को इसमें थोड़ा सा टॉस करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे हमारा क्रश गार्लिक और जिंजर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अनियन। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कैरेट्स। अलाउ द कैरेट्स टू कुक लिटिल बिट और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा चॉप किया हुआ कैप्सिकम। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे स्लाइस्ड किए हुए कैप्सिकम्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम हमारी सारी सब्जियों को हाई हीट पे पकाएंगे और ज्यादा नहीं पकाएंगे, वो क्रंचीनेस रहना चाहिए। नाउ अवर कैप्सिकम इज डन। अब हम इसमें हमारी जो स्लाइस की हुई कैबेज है उसको ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ मैं अभी इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, ये दोनों ऐड कर रही हूँ। मैं राइट नाउ इसमें सोया सॉस ऐड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इससे क्या होगा, मेरी जो सब्जियाँ हैं वो ब्लैक हो जाएगी, तो सोया सॉस मैं बाद में ऐड करूँगी। थोड़ा सा पेपर पाउडर भी ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमारी बॉइल्ड नूडल्स। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरा सोया सॉस। सोया सॉस मैं नूडल्स पे ही ऐड करूंगी, सब्जियों पे नहीं, ताकि वो जो कलर है सब्जियों का वो एज इट इज रहे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तैयार है, अब हम इसको प्लेट कर लेंगे।